क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन के ऊपर. कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर टू वेक्टर्स ए एंड बी. पहली स्टेटमेंट दे रखी है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मोड का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, या फिर मोड का स्क्वायर भी बोल सकते हो. पहली इक्वेशन को टेस्ट कर लेते हैं. सबसे पहले अगर आप ऑप्शन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, आपको यही बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है कौन सी स्टेटमेंट गलत है. इसका इसके साथ डॉट होगा, ए डॉट ए आपको सबको पता है ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, फिर ये हो जाएगा माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर हो जाएगा प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, एंड फिर हो जाएगा माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर. बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम होती है, क्योंकि वेक्टर डॉट प्रोडक्ट के अंदर ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए. आपने ये वाली प्रॉपर्टी डेफिनेटली पढ़ी होगी, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव. कम्यूटेटिव का मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए. तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना बचा, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. और आपको आरएचएस में यही दे रखा है, इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर वन आपकी ठीक है, स्टेटमेंट नंबर वन आपकी ठीक है. दूसरी स्टेटमेंट की बात करते हैं. देखो दूसरी स्टेटमेंट का आरएचएस तो पहली स्टेटमेंट का सेम ही है, तो बेसिकली एलएचएस भी सेम होना चाहिए. लेकिन आप ध्यान से देखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड के बराबर थोड़ी होता है. देखो दोनों इक्वेशन का आरएचएस सेम है तो एलएचएस भी सेम होना चाहिए, ये वाली चीज इसके बराबर होनी चाहिए. अब ध्यान से देखो, ये वाली चीज एक वेक्टर चीज है ना, क्योंकि इसके अंदर इसके अलावा ये वाले वेक्टर्स भी है, लेकिन ये वाली चीज तो खाली मैग्नीट्यूड है. ये वाला वेक्टर उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड के बराबर हो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना. वेक्टर और मैग्नीट्यूड में फर्क होता है, वेक्टर के साथ डायरेक्शन भी होती है, यहाँ पे डायरेक्शन भी है यहाँ पे, लेकिन खाली मैग्नीट्यूड है. तो सेकंड ऑप्शन आपका गलत है, स्टेटमेंट नंबर टू इज नॉट करेक्ट. स्टेटमेंट नंबर थ्री की बात कर लेते हैं. स्टेटमेंट नंबर थ्री वैसे बहुत ही फेमस इक्वालिटी एक थ्योरम अपने आप में. मान लो ए और बी के बीच में एंगल थीटा है, ए और बी के बीच में एक बार लेट अस अज्यूम एंगल थीटा, तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा, ए की मैग्नीट्यूड इंटू बी की मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा, और इसका आपको स्क्वायर करना है. तो ये स्क्वायर ये स्क्वायर ये स्क्वायर है ना. ए और बी के बीच में हमने एंगल माना था थीटा, तो ए क्रॉस बी कितना होता है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू नॉर्मल वेक्टर. लेकिन यहाँ पे आपको मोड लेना है, तो नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होता है, तो ये हो जाएगा आपका ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा. अगर आप दोनों को ऐड करोगे, ये वाली चीज कॉमन ले लो, ए वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे वन बन जाएगा. और आपको आरएचएस में यही तो दे रखा है, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. तो आपकी स्टेटमेंट नंबर थ्री भी सही है. अब ऑप्शन ध्यान से देखो, आपका वन सही है और थ्री सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, वन एंड थ्री ओनली. ये वाली चीज आप नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था. आपको स्टेटमेंट नंबर टू पे खास ध्यान देना है कि वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि वेक्टर उसी की मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं होता है.